बीजेपी में शामिल किए जा रहे हैं देह व्यापार के आरोपी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी संगठन को अंधेरे में रखकर मंगलवार 1 अगस्त को हरदा खिरकिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक नन्नेलाल पटेल के पुत्र रामकृष्ण पटेल को सीएम हाउस ले जाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने जिस पूर्व विधायक के बेटे रामकृष्ण पटेल को अपने साथ सीएम हाउस ले जाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई उसे देह व्यापार के एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। अभी रामकृष्ण पटेल जमानत पर रिहा है। हैरानी की बात यह भी है कि रामकृष्ण पटेल को 5 महीने पहले ही हरदा में एक बड़ा आयोजन कर बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन से ये सब बातें क्यों छुपाई। चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने रामकृष्ण पटेल को हरदा के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य बताने से भी परहेज नहीं किया। समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष शामिल हुए हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। उनके साथ सैकड़ों हजारों कुरियर समाज के लोग और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे जिले का और हम सबके प्रेरणा स्रोत है नंदनलाल पटेल जी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदा में बहुत मजबूत है, लेकिन रामकृष्ण पटेल जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और उनके साथ पूरे सामाजिक